हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश डे 2M चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं NSP स्कॉलरशिप फ्रेश एंड रिन्यूअल स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस हम समझेंगे, क्योंकि आप सब जानते हो कि NSP स्कॉलरशिप की लास्ट डेट जो है 31 अक्टूबर 2024 है, कि कुछ स्टूडेंट की रिजल्ट नहीं आया है अभी तक, वो किस सेमेस्टर की मार्कशीट को लेकर अप्लाई करें जो रिन्यूअल करना चाहते हैं, या कुछ स्टूडेंट का समस्या है कि वो फ्रेश है लेकिन उनके सामने स्कीम नहीं दिखाता है कि मैं किस स्कीम के लिए एलिजिबल हूँ, उसके सामने दिखाता है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी स्कीम राइट नाउ, इस प्रकार का जो है उनको दिखाई देता है, और किसी किसी का यहाँ पे OTR रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहा है। तो कंप्लीट पूरा प्रोसेस जानेंगे कि भाई OTR कैसे करें, उसके बाद फॉर्म कैसे अप्लाई करें फ्रेश का, कैसी स्कीम हम ला सकते हैं, कितनी परसेंटेज चाहिए होती है, उसके बाद हम डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करें सही तरीके से, क्योंकि आप सब जानते हैं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट के पास इस प्रकार का मैसेज भी आ चुका है कि उनका एप्लीकेशन फॉर्म भर के बाद इंस्टीट्यूट ने फॉर्म वेरीफाई कर दिया, लेवल 2 का वेरिफिकेशन भी हो गया, कि उनका मैसेज भी आ चुका है मोबाइल पे कि आपका बोर्ड लेवल थ्रू वेरीफाई हो चुका है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट भी है जिनका अभी तक बात करें तो फॉर्म भी अप्लाई नहीं हो पाया है, ड्यू टू उनका रिजल्ट नहीं आया, ड्यू टू उनका अप्लाई नहीं हो पा रहा है, या उनका स्कीम नहीं दिख रहा है, या उनका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पा रहा। तो ये सारी चीज़ों को हम समझ के सारी चीज़ों को हम अपलोड करेंगे, पूरा प्रोसेस समझेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन पूरी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव के साथ ये वीडियो रहेगी। फॉर्म अब एक हाथ में वीडियो और आपका मोबाइल रखें और दूसरे हाथ में लैपटॉप या स्क्रीन रख के आप अब अप्लाई करें फॉर्म को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ बता देता हूँ, जो आप नेशनल स्कॉलरशिप में जानना चाहते हो आप 3 डॉट पे क्लिक करो, यहाँ पे अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फ्रेश रिन्यूअल कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे। यहाँ पे आपसे मांगा गया OTR नंबर। OTR नंबर तब तक आपके पास नहीं होगा जब तक आप OTR रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे। अगर आप फर्स्ट टाइम है, आपके पास कुछ भी नहीं है, अगर आपके पास OTR का रेफरेंस नंबर भी नहीं है जो आपके मोबाइल नंबर पे आता है, मैं आपको दिखाता हूँ OTR रेफरेंस नंबर कैसे होता है। ये होता है यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद प्रोवाइडेड रेफरेंस नंबर OTR नंबर, मतलब है कि एक रेफरेंस नंबर होता है ये, इस रेफरेंस नंबर के थ्रू आप OTR नंबर जनरेट कर सकते हो। कैसे करना है, सिंपली आपको नाउ योर OTR पे क्लिक कर लेना है। नाउ योर OTR पे क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार ऑप्शन आएगा, आपको आधार नंबर, OTP और एक कैप्चा जो आपको दिख रही है, कैप्चा कोड भरने के बाद सबमिट कर देना है। आपको यहाँ पे 3 लेवल से गुजरना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से लेवल्स है जो आपको करने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे सबसे पहले आपको एक NSP OTR ऐप डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। जैसे आपको रेफरेंस नंबर मिल जाता है आपको NSP OTR ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। जैसे डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद फिर आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा इस प्रकार का, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये मैं ओपन कर लिया है। ये ओपन करने के बाद इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको अपने मोबाइल ओपन कर लेना है। मोबाइल ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको ना EKYC फेस ऑथेंटिकेशन इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको आएगा रेफरेंस नंबर, जैसे कि मैंने बोला अभी रेफरेंस नंबर जो आपके मोबाइल पे OTP के थ्रू आएगा, ये वाला रेफरेंस नंबर वो आपको यहाँ पे पुट करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे OTP आएगा मोबाइल पे, उसको करने के बाद आपको कैप्चा भरने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार नेम आ जाए, आपका नेम, आधार नंबर, आपको दिखाई KYC नॉट वेरीफाइड, आपको यहाँ पे प्रोसीड फॉर फेस ऑथेंटिकेशन, आपको अपना फेस जो है वो आपको वेरीफाई करवाना है। कैसे करना है क्लिक करेंगे, और यहाँ पे फेस वेरीफाई करने के लिए सिंपली मोबाइल को रखना है। मोबाइल रखने के बाद आपका जो कैप्चा आपका जो फेस है वो ग्रीन एरिया के अंदर आना चाहिए, और उसके तहत आपका जैसे फेस कैप्चर हो जाएगा आपका यहाँ पे OTR नंबर जो है सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा, पासवर्ड आपका ऑटोमेटिक आप जो है उसको क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद जैसे आपका OTR नंबर मिल गया, पासवर्ड आपको आ गया, कैप्चा ये देख रहे हो जो सिक्योरिटी पिन है 1ZAO51 जो आपका सिक्योरिटी पिन रहेगा, यहाँ पे जो कैप्चा होगी वही आपका सिक्योरिटी पिन है, उसको लॉग इन कर लेंगे। लॉग इन करने के बाद इस प्रकार का डैशबोर्ड आपके सामने देखने को मिल जाएगा, जहां पे आपको मिलेगा कि आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, लॉगिन आपका सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा यहाँ पे अप्लाई फ्रेश, कि आपको सबसे पहले अप्लाई फ्रेश वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे अप्लाई फ्रेश पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन आएगी कि अप्लाई फ्रेश में कौन कौन सी चीजें, आपका एप्लीकेशन कौन सा है। सपोज है कि मेरा एप्लीकेशन जो है 2024-25 वाली, इसको मैं यहाँ पे जाके प्रोसीड के ऑप्शन पे प्रोसीड कर लूंगा। तो मैंने यहाँ पे इसको प्रोसीड पे क्लिक कर दिया। उसके बाद जैसे मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ उसके बाद मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे कि भाई अप्लाई फ्रेश में आपको इस सारी गाइडलाइंस जो आपको रीड करनी है, गाइडलाइंस को रीड करने के बाद यहाँ पे जो टिक बॉक्स है
वो आपको कंटिन्यू करके आई एग्री पे क्लिक कर लेना। अगर आपको मैनुअल बॉक्स चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम में भी दे सकता हूँ, ठीक है, लेकिन आप पूरा समझ लीजिए। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई फ्रेश का एक ऑप्शन आएगा, जहाँ पे आपको डोमिशियल स्टेट और स्कॉलरशिप कैटेगरी, आपको पोस्ट मैट्रिक और एप्लीकेशन टाइप जो है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जो आपका रहेगा यहाँ पे स्कॉलरशिप स्कीम। एप्लीकेशन टाइप में हमेशा स्कॉलरशिप स्कीम आपका सिलेक्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको आपके सबमिट पे क्लिक कर दें। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके साथ आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपको यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शन पे दोबारा क्लिक कर लेना है, कि आपको दोबारा प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप दोबारा प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा। आपको यहाँ पे फिल एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिल एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे आप फिल एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ चीजें इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी पड़ सकती है। जैसे कि यहाँ मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन, अकेडमिक इन्फॉर्मेशन, एप्लीकेशन स्पेसिफिक, स्कीम अवेलेबल, स्कीम स्पेसिफिक डिटेल और अपलोड डॉक्यूमेंट, ये कुछ 5-6 स्टेप्स है जो आपको फॉर्म फिलअप करते समय आपसे मांगी जाएगी, तो उस चीज को आप देख लीजिए। जैसे ही आप फिलअप करेंगे यहाँ पे देख सकते हो अकेडमिक ईयर आपका यहाँ पे 2024-25 आ चुका है। जनरल इन्फॉर्मेशन में आपको अपना अकेडमिक ईयर, डोमिशियल स्टेट, स्कॉलरशिप कैटेगरीज, एप्लीकेशन टाइप, नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपकी कम्युनिटी आ जाती है, आपकी कम्युनिटी क्या है, रिलीजन क्या है, एनुअल फैमिली इनकम क्या है, डिसेबल अगर हो तो यस कीजिए, नहीं हो तो यहाँ पे नो कर दीजिए। पेरेंट प्रोफेशन, आपके पेरेंट इन ड्रॉप डाउन में कोई और काम करते हैं क्या, अगर आपके पेरेंट इन ड्रॉप डाउन में कोई भी एक सिलेक्ट करते हो काम करते हैं तो उसका एक प्रूफ मांगा जा सकता है, उसका एक सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है। अगर आपकी इस ड्रॉप डाउन में कोई भी वर्क नहीं करता आपके पेरेंट्स, तो यहाँ पे आप कर सकते हो अनोदर, मतलब अदर वर्क पे भी आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ मैरिटल स्टेटस आपको मैरिड अनमैरिड सेलेक्ट कर लेना है, एनी ऑफ द पेरेंट नॉट लाइव इसको नॉट एप्लीकेबल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, लोकेलिटी, हाउस नंबर, पिन कोड, ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आप फिल करके आप सेव एंड एक्सेप्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद अब आता है अकेडमिक डिटेल, जहाँ पे आपको अकेडमिक डिटेल फिल करनी पड़ सकती है, आपका परसेंट, आपका कोर्स, क्वालिफिकेशन रिलेटेड कुछ डिटेल मांगी जा सकती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपका सब मांगा जा रहा है इंस्टीट्यूट, क्या आपको अपना इंस्टीट्यूट जो है वो आप भरना पड़ेगा। अगर आपको इंस्टीट्यूट फाइंड नहीं करना आता तो आप इंस्टीट्यूट का AISH कोड, इंस्टीट्यूट का एक कोड होता है AISH कोड के थ्रू, मतलब AISH कोड के थ्रू आप इंस्टीट्यूट फाइंड कर सकते हो। ये कैसे मिलेगा, ये आप अपने इंस्टीट्यूट से पता कर सकते हो कि सर हमारे कॉलेज का AISH कोड बता दीजिए, उसके तहत आप इंस्टीट्यूट का फाइंड इजिली आप कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट क्लास कोर्स आपको सेलेक्ट कर लेना है, प्रेजेंट क्लास ईयर आपको सेलेक्ट करना है 2024, प्रेजेंट क्लास स्टार्ट डेट कॉलेज से पूछ के सेलेक्ट कर लेना है। एडमिशन एनरोलमेंट नंबर, अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं नेशनल स्कॉलरशिप या फर्स्ट ईयर में अगर आप है कॉलेज के, तो आपको एडमिशन एनरोलमेंट नहीं मिलेगा तो उसको आप ब्लैंक छोड़ देंगे। एडमिशन रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट ईयर आपका 2024 सेलेक्ट कर लेना है। रोल नंबर आपको सेलेक्ट करना है, सेक्शन आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके से आपको सेलेक्ट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। मोड ऑफ स्टडी आपको हमेशा रेगुलर पे सेलेक्ट करना है, नॉन कॉलेज ईयर प्राइवेट को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। हॉस्टल अगर है उसमें पढ़ते हैं यस एंड नो कर सकते हो, अगर आप उसमें पढ़ रहे हो तो यस, नहीं पढ़ रहे हो तो नो कीजिए। अब यहाँ प्रीवियस क्लास डिटेल मांगी जा सकती है, जैसे सपोज अगर आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, अगर आप सेकंड ईयर में हैं तो प्रीवियस अकेडमिक डिटेल आपसे मांगी जा सकती है, फर्स्ट ईयर की। टेंथ क्लास की डिटेल मांगी जाएगी आपकी, ट्वेल्थ की, बोर्ड परसेंटेज, किस कॉलेज से किया, कौन से स्कूल से किया, कौन सा CBSE था, RBSE था, CIC बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड था उसके थ्रू। कॉम्पिटेटिव एग्जाम डिटेल, अगर आपने कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया है तो ये इसको आपको भरना कंपलसरी है, नहीं दिया तो इसको कोई भरना कंपलसरी नहीं है। उसके बाद सेव एंड एक्सपेक्ट क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं बोल रहा था आपको AISH कोड के थ्रू आप इंस्टीट्यूट फाइंड करने में आसानी होगी, तो AISH कोड जो है आप इंस्टीट्यूट से यहाँ पे पता कर सकते हो, या आप NSP के थ्रू भी AISH कोड पता कर सकते हो, जिसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने आएगा कि स्कीम आपकी आ सकती है, कि जो भी आपकी स्कीम्स है वो आपको यहाँ पे दिखने को मिल सकता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा पा रहा हूँ यहाँ पे, तो इसको थोड़ा मैं नीचे ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे क्लिक कर लिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे आगे प्रीवियस अकेडमिक डिटेल जो यहाँ पे भर सकते हो, जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया प्रीवियस अकेडमिक डिटेल में, वो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप करनी है। उसके बाद 12th क्लास की डिटेल आपको फिल करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो है अगर आपने दिया है तो यस करना है, नहीं दिया है तो नहीं करना है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा जो भी चेक बॉक्स है उसको आपको भरना यहाँ पे कंपलसरी रहेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है एप्लीकेशन स्पेसिफिक डिटेल्स, आपके पास ऑप्शन आता है जहाँ पे आपसे मांगी जाती है कि आपका राशन कार्ड डिटेल, आपको अपना राशन कार्ड नंबर जो है यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। या आपके पास एक ऑप्शन और है कि आइडेंटिफिकेशन मोड के थ्रू आप UDID डिटेल्स जो है, आधार कार्ड या डिटेल वगैरह से भी आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आता है
स्टेट स्पेसिफिक डिटेल आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर द एप्लीकेशन। आपको यहाँ पे क्या करना है, क्लिक हियर टू गो द प्रीवियस टैब, ठीक है, और आपको अपना जो प्रीवियस टैब है उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस इसकी अवेलेबल रिलेटेड, द विल बी नेक्स्ट पेज आफ्टर यू सक्सेसफुल सेव द मेंटेड डिटेल्स इन द एप्लीकेशन स्पेसिफिक टैब, ओनली द स्कीम विच द स्टूडेंट आर एलिजिबल फॉर विल बी शो ऑन दिस पेज, स्कीम एलिजिबिलिटी विल बी डिपेंड ऑन डिटेल प्रोवाइडेड बाय देम। जो भी आपने डिटेल प्रोवाइड किया उसके अकॉर्डिंग जो स्कीम दिखा, आपकी पर्सन अगर 70, 80 या 90 उसके अकॉर्डिंग दिखाएगा कि आप इस स्कीम के लिए सुटेबल हो, इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पे एक बंदे का स्कीम जो है यहाँ पे दिखा दिया गया है, फाइनेंशियल असिस्टेंट एजुकेशन फॉर द अवार्ड ऑफ द बीड एंड ये एलडीएस पोस्ट मैट्रिक बेडी वर्कर, जो यहाँ पे एक अप्लाई करने के लिए एलिजिबल ही बंदा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक स्कीम आ चुका है आपके सामने। हो सकता है 3-4 स्कीम यहाँ पे दिखने को मिल रहे हैं। अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं स्कीम्स में, तो आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल स्कीम्स की गाइडलाइंस को रीड कर सकते हो कि किस में ज्यादा पैसा मिलेगा, किस स्कीम को अप्लाई करने पर मेरे को ज्यादा नुकसान नहीं है, ज्यादा अच्छा बेनिफिट है मेरे को उस यहाँ पर। अगर आपको एक ही स्कीम दिख रहा है तो यहाँ पे डेफिनेटली यू कैन अप्लाई नेक्स्ट ऑप्शन पे आप क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने आएगा आप नेक्स्ट ऑप्शन, जहां पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसा कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स, इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ सकता है, या आपका जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स, इनकम सर्टिफिकेट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, अगर आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ रहा है अपलोड करने का, तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट है कॉलेज में, इसको भरने के बाद, सील सिग्नेचर करवाने के बाद इंस्टीट्यूट से, वो आपको यहाँ पे जाके अपलोड करना पड़ेगा। इनकम सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, या प्रीवियस क्लास की आपको डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, या 12th, 10th की मार्कशीट मांगी जा रही है, वो आपको यहाँ पे आके अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद साइट चेक करने के बाद आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसा कि आपको पता है 31 अक्टूबर 2024 लास्ट डेट है, तो फॉर्म को जल्द जल्द भर दीजिएगा, क्योंकि जैसे जल्दी फॉर्म भरोगे उस जल्दी फायदा ये कि आपका कॉलेज से फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद लेवल 2 का वेरिफिकेशन, उसको लेवल 3 का वेरिफिकेशन है, जितनी जल्दी करोगे जल्दी आपका फायदा है। क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूट जो है बच्चों के सामने लेवल 1 तो हो चुका है, लेवल 2 भी ऑलरेडी यहाँ पे वेरीफाई का मैसेज आ चुका है। जैसे कि अगर आप मेरी वीडियो को देखते हो रेगुलरली, तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। अब बात करता हूँ कि भाई रिन्यूअल का कैसा क्या सीन है। तो रिन्यूअल के सीन में आपको मैं कुछ चीज बताता हूँ। आपको सिर्फ OTN नंबर और पासवर्ड से लॉग इन करना है, कैप्चा भरना है। आपको सिर्फ रिन्यूअल में करना क्या है, आपको सिलेक्ट करना है हॉस्टल हो के नहीं। अगर आप हॉस्टल में पढ़ रहे हो तो यस कीजिए, नहीं पढ़ रहे हो नो कीजिए। प्रीवियस क्लास की परसेंटेज, अगर आपका प्रीवियस सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा नवंबर या अक्टूबर के एंड तक आ जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा वेट कर सकते हो, क्योंकि डेफिनेटली मैं चांस है कि NSP स्कॉलरशिप बढ़ेगी, पोस्ट मैट्रिक वालों की बढ़ेगी, तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो कि जब तक रिजल्ट आए तब तक अप्लाई मत करो। क्योंकि चांसेस रह जाते हैं कि अगर आपने अप्लाई कर दिया तो कल को आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए आगे जाके लेवल 2 में, तो दिक्कत आएगा कि आपका रिजल्ट नहीं आया तो आपने कैसे अप्लाई कर दिया, तो वो सारी चीजें रहती है। रिजल्ट आने के बाद ही आप फॉर्म को अप्लाई करें। ध्यान रखें कोई बैकलॉग और कोई बैग वगैरह नहीं होना चाहिए, उसको क्लियर करके रखें, उसके स्कॉलरशिप मिलने के जो चांसेस वो घट जाते हैं अगर आपका बैकलॉग रहता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताई है। फॉर्म को सही एंड सही तरीके से फिलअप कीजिए, फाइनल सबमिट कीजिए, डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए। कोई भी क्वायरी, कोई भी अपडेट होता है टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है, और कमेंट कर सकते हो कि आपने फॉर्म फिलअप किया कि नहीं, किस स्टेट से फॉर्म फिल किया है, जरूर मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। मिलते किसी नई वीडियो के साथ।